गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम नहाकर जस्ट अभी घर आए हैं। मेरा नहा आज कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं। पहले उनको आज फूल तोड़ देते हैं हम आगे फूल तोड़ लें। और कितना फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। ये कर रहे हैं पूजा और हम आगे किचन में नाश्ता निकालने के लिए। तो नाश्ता बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए इसमें कितना सारा आइटम है। इसमें और मूढ़ी और चनाचूर देखिए, इसको पूरा चल सकेंगे और चाय के साथ खाएंगे। तो देखते हैं इनका पूजा हुआ कि नहीं। पूजा हो चुका है कंप्लीट। आज मंगलवार है इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। जल्दी आइए। ये हुआ पूरा पूजा कंप्लीट और मंदिर कितना साफ दिख रहा है। तो नाश्ता वगैरह करके हम आ गए किचन। थोड़ा जल्दी आना पड़ा। हम सोचे थे कि भिंडी का भुजिया बनाएंगे सब्जी, पर क्या भेज दिए, वो भेज दिए मटन। अब बोले कि पूरा मटन को पूरा मसाला देके आलू डाल के अच्छा से बनाओ झोल, तब वही बनाना पड़ेगा हमको। तो हम बोले थोड़ा जल्दी चलते हैं किचन, क्योंकि फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि मटन इसको बनने में टाइम लगता है। तो इधर हम जल्दी जल्दी प्याज भी काट रहे हैं, प्लस गैस पे दूध भी बैठा है, वो भी देख रहे हैं ताकि उबल के नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पर मटन को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ मसाले वगैरह देके। ये अच्छी तरह से भूनेंगे तो फिर थोड़ा सा भुजिया भी निकाल लेंगे हम। और उधर मेरा चावल बन चुका है और मटन के लिए यहाँ पर आलू फ्राई करके रखा हुआ है। तो फिलहाल मेरा भुजिया बनके एकदम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर किसी को भूख लगा तो चावल निकाल रहा है, हम बोले भुजिया भात खा लो, तो चलते हैं भुजिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम खाना निकाल दिए हैं और ये लोग भुजिया भात खा रहा है और मेरा भी निकला हुआ है। चलते हैं हम भी खाने के लिए। कैसा बना? मस्त। अच्छा बना, झाल हुआ ना आज? भागर इतना सारा मसाला पीस के दिया, सूखा मिर्चा हम खाना खा चुके थे तो ये अभी आए हैं, इनको भी दे दिए तो ये भी खा रहे हैं भुजिया भात। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये भी खा रहे हैं भुजिया भात और यहाँ और रखा हुआ, उनको लगेगा तो और ले लेंगे। चूंकि अभी हो गई है शाम और बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का है। तो इचिया भी ट्यूशन पढ़ रहा है और इसी भी पढ़ रहा है, तो हम थोड़ा बाहर में है। बस चलते हैं रोटी जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि इचिया के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कर सके। तो पहले हम रोटी बनाएंगे। और बारिश होने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। बारिश होने के बाद पूरा पेड़ पौधा पूरा खिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पेड़ पूरा धुला धुला। रात के बज चुके हैं 9 और हम थोड़ा गए थे बगल में, कुछ काम था। हमारा खाना बन चुका है, बच्चों ने खा लिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे देवर जी हमारे सिक्किम से क्या लेके आए। जैसे कि समर वेकेशन चल रहा है तो हमारे देवर और देवरानी उनके बच्चे गए थे गैंगटॉक सिक्किम घूमने के लिए, तो वहाँ से हमारे लिए क्या लेके आए। तो ये है सिक्किम का ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि वॉल पे टांगा जाएगा। एक ये ला कर दिया है, अच्छा है, मैं इसे कहीं पर टांगूंगी। और एक ये है, देखिए इसमें शुभ और लाभ लिखा हुआ, इसमें भी गणेश भगवान है तो ये भी बहुत अच्छा है, तोरण के जैसा, ये भी बहुत अच्छा है। और एक लाए हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति लेकर आए हैं, क्योंकि सिक्किम में तो इन्हीं का मंदिर है तो वहां से ये मूर्ति उठाकर लाया है, बहुत अच्छा है। तो देखिए गिफ्ट कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, गिफ्ट कोई भी प्रेम से देते वही बड़ा होता है। तो वहां पर गए, मुझे याद रखे और ये सामान ला कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सिक्किम गैंगटॉक बहुत अच्छी जगह है, नेक्स्ट टाइम हम लोग भी जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि गिफ्ट बहुत अच्छा था, हम एक फोटो उन लोगों का शेयर कर देंगे जो वो लोग सिक्किम में गए थे, गैंगटॉक गए थे। तो मैं एक फोटो थंबनेल में लगा दूंगी, आप लोग भी देख लीजिएगा हमारे देवर देवरानी और उनके बच्चों को। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को वहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।